Top 20 News is brought to you by Aura Fine Jewelry in association with Cummins College of Engineering for Women, Nagpur. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद पर आज फैसला आएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट इस विवाद पर अपना फैसला सुना सकते हैं और आज 15 याचिकाओं पर फैसला आएगा। हिमाचल के कुल्लू में बादल फट गया है। इस घटना में एक का शव बरामद हुआ है और 9 लोग लापता है। कई मकान क्षतिग्रस्त है। हिमाचल प्रदेश के शिमला के रायपुर में बादल फट गया है और बादल फटने से 19 लोग लापता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण चार धाम की यात्रा स्थगित कर दी गई है। बारिश के कारण नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने बुधवार को कहा कि ओडिशा में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ का 71 साल की उम्र में ब्लड कैंसर से जूझने के बाद निधन हो गया। दिल्ली में तेज बारिश की वजह से आज 1 अगस्त को सभी स्कूल बंद रहेंगे। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने केरल के वायनाड में भूस्खलन की हुई घटना पर रूस की दुख व्यक्त किया है। उन्होंने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को शोक संदेश भेजा है। IPL टीम मालिकों की बुधवार को BCCI अधिकारियों से मुलाकात के दौरान मेगा नीलामी से लेकर इंस्पेक्ट खिलाड़ी नियम तक के मुद्दों पर बातचीत हुई। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। मुंबई एयरपोर्ट परिसर में फर्जी फ्लाइट टिकट के साथ प्रवेश करने वाले एक व्यक्ति को मुंबई के सहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी को UPSC ने रद्द कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो IAS नहीं रहेगी, वो किसी परीक्षा में भी शामिल नहीं हो पाएंगी। कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी द्वारा ट्रेन में 4 लोगों की हत्या के मामले में न्यायिक प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। पीड़ित परिवारों ने केस में तेजी लाने की मांग की है। यशस्वी शिंदे हत्याकांड में आरोपी दाऊद शेख को पुलिस कर्नाटक से गिरफ्तार कर चुकी है। वही मामले में महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए उरन पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। घरेलू शेयर बाजार ने अगस्त महीने की आज शानदार शुरुआत की। प्रमुख घरेलू सूचकांकों में एक निफ्टी 50 आज शुरुआती कारोबार में 25,000 अंक के पार निकल गया। जूनियर NTR के खाते में इस वक्त 3 बड़ी फिल्में हैं। RRR के बाद वो जिस पिक्चर में कमबैक करने वाले हैं वो है देवरा। इसके बाद ऋतिक रोशन की War 2 और प्रशांत नील की फिल्म में काम करेंगे। धनुष की फिल्म रायन देश भर में खूब पसंद की जा रही है। इस फिल्म ने 6ठे दिन भी बढ़िया कलेक्शन किया है। बहुत जल्द फिल्म बजट के बराबर कमाई कर लेगी। CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए उप वर्गीकरण को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। कई जगह भूस्खलन हुआ है। सड़क और पुल बहने से लोग फंसे हुए हैं। नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लग गया है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC न्यूज़। नमस्कार।